तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फरहान, आप देख रहे हो टेक्नो फरहान। टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हाँ मेरे भाई, आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला फ्रंटियर के बारे में। मैंने थोड़ा लेट वीडियो बनाया, बट भाई आपको कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, लॉन्च डेट भी इसकी बता दूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं मेरे भाई वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे भाई इस फोन की डिस्प्ले से। डिस्प्ले निकल के आया मेरे भाई 6.67 इंचेस का पीओएलईडी डिस्प्ले। मेरे भाई ओएलईडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। तो डिस्प्ले तो काफी जबरदस्त यूज करा गया है मेरे भाई। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, वो यहाँ पे निकल के आया था मेरे भाई बैटरी निकल के आया मेरे भाई 4500 का। तो ये भी काफी सही है, प्लस 125 वॉट का 125 वॉट का एडाप्टर देखने के लिए मिलेगा, प्लस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मेरे भाइयों। अभी इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है, दो एडाप्टर बता रहे हैं यहाँ पे, एक तो 30 वॉट का वायरलेस चार्जर होगा या फिर 50 वॉट का वायरलेस चार्जर आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप दोनों ही परचेस कर सकते हो, बट 125 वॉट का आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें हम यहाँ पे मेरे भाइयों, वो है सबसे मेन फीचर इस फोन का, 200 मेगापिक्सल का मेरे भाइयों बैक कैमरा देखने के लिए मिलता है आपको। मेन कैमरा जो होगा काफी खतरनाक सा होगा मेरे भाइयों, ये सैमसंग का कैमरा इन्होंने यूज किया है यहाँ पे। प्लस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे भाइयों। आप सोच रहे हो इमेजेस काफी जबरदस्त क्लिक होगी, बट मेरे भाइयों मैं यहाँ पे कहता हूँ नंबर्स पे मत ध्यान दो, क्वालिटी की तरफ जाना है हमको। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, वो है यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई, कैमरे के अंदर 12 मेगापिक्सल का माइक्रो टेलीफोटो लेंस आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे भाइयों। तो ये भी काफी जबरदस्त है। अगर फ्रंट सेल्फी कैमरास की मैं बात करूँ, तो वो यहाँ पे निकल के आता है मेरे भाइयों 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरे के मामले में ये फोन तबाही मचा देगा, अगर जैसा ये नंबर्स बता रहे वैसी क्वालिटी भी रही तो हकीकत में मेरे भाइयों ये फोन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है कैमरा लवर्स के बाद से। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, तो ये गेमिंग लवर्स के लिए प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन वाला प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो भाइयों तबाही मचा रहा है, सोने पे सुहागा। आप कैमरास भी यूज करना चाहते हो और गेमिंग भी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो हाँ, प्रोसेसर भी बहुत ही सही यूज किया गया भाइयों। इसके अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ, तो लॉन्च डेट यहाँ पे निकल के आई मेरे जुलाई के महीने में चाइना के अंदर ये जाएगा। तो हाँ, अभी यहाँ पे आते आते इसे टाइम लग जाएगा मेरे भाइयों, बट आपको ये फोन कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। इतना ही सब कुछ था मेरे भाइयों, अभी प्राइसिंग इसकी लीक्स नहीं हुई है। जैसा भी जो कुछ मैं आया फटाक से वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे कनेक्ट साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।